हेलो माय डियर फ्रेंड्स, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री GOC पार्ट 3 में आज का टॉपिक कार्बन की चतुःसंयोजकता और श्रृंखलन गुण। कार्बन तत्व की चतुःसंयोजकता व श्रृंखलन गुण के बारे में आज अध्ययन करेंगे। पॉइंट, कार्बन तत्व के परमाणु की चतुःसंयोजकता को कुकले ने अपने एक सिद्धांत में बताया था। कार्बन तत्व की चतुःसंयोजकता के बारे में किस रसायन शास्त्री ने बताया था? कुकले ने। कुकले के सिद्धांत के अनुसार, उनका सिद्धांत क्या था कुकले का? फर्स्ट, कार्बन परमाणु सामान्यतया चतुःसंयोजी होता है, यानी कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? चार होती है। सेकेंड पॉइंट, उन्होंने अपने सिद्धांत में क्या बताया? कार्बन परमाणु अन्य कार्बन परमाणुओं से आबंधित, या आबंधित का मतलब होता है जुड़ना, होकर सवृत्त बंध तथा विवृत खुला श्रृंखला के यौगिक बना सकता है। उन्होंने कहा, कुकले ने अपने सिद्धांत में कहा, पहला उनका जो पॉइंट था सिद्धांत का, कि कार्बन तत्व सामान्यतया चतुःसंयोजी होता है, यानी कार्बन की बैलेंसी चार होती है, फोर होती है, और कार्बन तत्व का परमाणु, सेकेंड पॉइंट में उन्होंने बोला था कार्बन तत्व का परमाणु आबंधित होकर जुड़कर खुली श्रृंखला में या बंद श्रृंखला में यौगिक बना सकता है। खुली श्रृंखला का मतलब कार्बन कार्बन कार्बन, बंद श्रृंखला का मतलब कार्बन 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 कार्बन। इस प्रकार बंद श्रृंखला का भी यौगिक बना सकता है और खुली श्रृंखला का भी यौगिक बना सकता है। इस गुण को, कार्बन के इस गुण को, कार्बन तत्व के इस गुण को क्या कहा गया? श्रृंखलन, श्रृंखलन कैंटिनेशन कहा गया। कुकले के सिद्धांत का थर्ड पॉइंट, कार्बन परमाणु एक आबंधित, कार्बन परमाणु एक आबंधित या द्वि आबंधित या त्रि आबंधित द्वारा दूसरे परमाणु से जुड़ सकता है। कार्बन कार्बन एकल बंध के द्वारा भी जुड़ सकता है, कार्बन कार्बन डबल बंध के द्वारा जुड़ सकता है, या कार्बन कार्बन ट्रिपल बंध के द्वारा जुड़ सकता है, उनका कहना था। सभी ज्ञात कार्बनिक यौगिकों में कार्बन की संयोजकता चार होती है। जितने भी कार्बनिक यौगिक ज्ञात हैं उनमें कार्बन तत्व की संयोजकता कितनी होगी? चार होगी, और चारों संयोजकताएँ जो हैं समान होती हैं, यानी जिस भी कार्बनिक यौगिक में कार्बन तत्व की संयोजकता चार है और दूसरे कार्बनिक यौगिक में जो संयोजकता चार है, वो चारों संयोजकताएँ क्या होंगी? समान होंगी। एक कुकले के सिद्धांत के अनुसार आया, तो ध्यान से देख लीजिए, कुकले ने ही स्पष्ट किया अपने सिद्धांत के द्वारा कि कार्बन चतुःसंयोजी होता है, और उनके तीन सिद्धांत उन्होंने दिए। फर्स्ट था कि कार्बन तत्व चतुःसंयोजी होता है। सेकेंड पॉइंट उनका था, कार्बन तत्व अन्य परमाणुओं के साथ जुड़कर आबंधित होकर खुली श्रृंखला या बंद श्रृंखला वाला यौगिक बना सकता है, खुली श्रृंखला वाला या बंद श्रृंखला वाला कार्बनिक यौगिक बना सकता है। कार्बन तत्व के इस गुण को श्रृंखलन या कंटिनेशन कहा गया। थर्ड पॉइंट, कार्बन परमाणु एक आबंधित, द्वि आबंधित, त्रि आबंधित दूसरे परमाणु से जुड़ सकता है। इस प्रकार एकल बंध के द्वारा भी जुड़ सकता है, डबल बंध के द्वारा भी जुड़ सकता है, और ट्रिपल बंध के द्वारा भी जुड़ सकता है, और अन्य परमाणुओं के साथ भी सिंगल में भी जुड़ सकता है,
डबल में भी जुड़ सकता है ऑक्सीजन परमाणु के साथ, या नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बंध में भी जुड़ सकता है। और जितने भी कार्बनिक यौगिक ज्ञात हैं उनमें कार्बन की जो संयुक्तता होगी चार होगी, और चारों संयुक्तताएँ क्या होंगी, समान होंगी। संयोजकता का, संयोजकता बैलेंसी का आधुनिक सिद्धांत स्पष्ट कर दिया कि कार्बन के बाह्य कोष में आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कार्बन के वाय कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। संयोजकता का आधुनिक सिद्धांत 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए कार्बन तत्व की जो वैलेंसी है वो 4 होती है। कितनी होती है? 4। तो कुकने ने भी स्पष्ट किया कि कार्बन तत्व की जो संयोजकता होती है समानतया चतु होती है। और संयोजकता का आधुनिक सिद्धांत भी स्पष्ट कर दिया इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन के द्वारा। एटॉमिक नंबर 6 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन 2 और 4। कार्बन तत्व के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो है 4 इलेक्ट्रॉन है, इस प्रकार कार्बन तत्व की जो वैलेंसी है वो 4 होती है। श्रृंखलन गुण, कंटिन्यूएशन प्रॉपर्टी, आइए देखते हैं किसे कहते हैं। किसी तत्व के परमाणु के द्वारा परस्पर संयोग करके खुली या बंद श्रृंखला बनाने का गुण उस तत्व का श्रृंखलन का गुण कहलाता है। किसी तत्व के परमाणु के द्वारा परस्पर संयोग करके खुली या बंद श्रृंखला बनाने का गुण उस तत्व का श्रृंखलन गुण कहलाता है। जो भी तत्व हैं उनके परमाणु का एक खुली श्रृंखला में या बंद श्रृंखला में जो भी कार्बनिक यौगिक प्राप्त होते हैं उस तत्व के प्रॉपर्टी को श्रृंखलन गुण कहते हैं। ध्यान से देख लीजिए, किसी तत्व के परमाणु के द्वारा परस्पर संयोग करके खुली या बंद श्रृंखला बनाने का गुण उस तत्व का श्रृंखलन गुण कहलाता है। जैसे कार्बन 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 एक खुली श्रृंखला में जुड़ रहा है, कार्बन 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 एक बंद श्रृंखला में कार्बन तत्व जुड़ रहे हैं, कार्बन तत्व के परमाणु जुड़ रहे हैं, तो कार्बन तत्व के इस गुण को श्रृंखलन गुण कहते हैं। श्रृंखलन गुण किस पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है, तो ध्यान से देख लीजिए, श्रृंखलित होने का गुण, बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट, श्रृंखलित होने का गुण बंध ऊर्जा पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? बंध ऊर्जा पर, बॉन्ड एनर्जी पर निर्भर करता है, पर निर्भर करता है। जिस तत्व की बंध ऊर्जा बॉन्ड एनर्जी जितनी अधिक होगी, जिस तत्व की बंध ऊर्जा बॉन्ड एनर्जी जितनी अधिक होगी उसमें श्रृंखलन गुण भी अधिक होगा, उसमें श्रृंखलन का गुण भी क्या होगा, अधिक होगा। ये पॉइंट ध्यान से देख लीजिए, किसी तत्व में जो श्रृंखलन गुण पाया जाता है वह तत्व के बंध ऊर्जा पर, बॉन्ड एनर्जी पर निर्भर करता है। जिस तत्व की बंध ऊर्जा बॉन्ड एनर्जी जितनी भी अधिक होगी उसमें श्रृंखलन का गुण भी क्या होगा, अधिक होगा। अगला पॉइंट, कार्बन कार्बन सी सी बंध की बंध ऊर्जा बहुत अधिक होती है, इसलिए आवर्त सारणी में, पीरियाडिक टेबल में श्रृंखलित होने का गुण सबसे अधिक किसमें पाया जाता है,
कार्बन तत्व में होता है। तो ध्यान से सुन लीजिए और स्पष्ट हो गया कि जितने भी पीरियाडिक टेबल में एलिमेंट हैं 118 एलिमेंट 118 तत्व हैं, उनमें कार्बन तत्व की श्रृंखलन गुण सबसे अधिक होता है, क्योंकि कार्बन तत्व की बंध ऊर्जा सबसे अधिक होती है। श्रृंखलित होने का गुण केवल किसमें पाया जाता है? अधातुओं में पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, धातु भी है, अधातु भी है, उपधातु भी है आवर्त सारणी में, लेकिन श्रृंखलन का गुण किसमें पाया जाता है? केवल अधातुओं में पाया जाता है। पी ब्लॉक में थर्ड ए रोमन में, जिसे 13वां ग्रुप बोलते हैं, फोर्थ ए जिसे 14वां समूह बोलते हैं, फिफ्थ ए 15वां समूह बोलते हैं, सिक्स ए जिसे 16वां समूह कहते हैं, 13वें में बोरान एल्युमिनियम गैलेनियम, फोर्थ में कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम, फिफ्थ ए में नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक, सिक्स में ऑक्सीजन सल्फर और सेलेनियम। ये है, इनमें सभी जितने भी तत्व हैं सभी में श्रृंखलन गुण पाया जाता है, उपस्थित होता है, लेकिन सबसे अधिक जो श्रृंखलन कंटिनेशन प्रॉपर्टीज वाला वर्ग है वो है फोर्थ ए 14 ग्रुप, जिसमें श्रृंखलन गुण सबसे अधिक पाया जाता है। श्रृंखलन गुण किस पर निर्भर करता है? बंध ऊर्जा, बॉन्ड एनर्जी पर निर्भर करता है। तो बंध कार्बन कार्बन के बीच बंध, सिलिकॉन सिलिकॉन के मध्य बंध, सल्फर सल्फर के मध्य बंध, फास्फोरस फास्फोरस के मध्य बंध, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के मध्य बंध, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के मध्य बंध। बंध ऊर्जा किलो कैलोरी प्रति मोल किसमें है? किलो कैलोरी पर मोल में है। में बॉन्ड एनर्जी है तो कार्बन कार्बन की कितनी होती है? 85 होती है। सिलिकॉन सिलिकॉन के बंध एनर्जी कितनी होती है? बॉन्ड एनर्जी कितनी होती है? 54 होती है। सल्फर सल्फर की बॉन्ड एनर्जी कितनी होती है? 54 होती है। फास्फोरस फास्फोरस की बॉन्ड एनर्जी कितनी होती है? 50 होती है। नाइट्रोजन नाइट्रोजन की बॉन्ड एनर्जी कितनी होती है? 39 होती है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन की बॉन्ड एनर्जी कितनी होती है? 35 होती है। ये प्रायोगिक रूप से निकाला गया है, प्रायोगिक प्रमाण से निकाला गया है। तो कार्बन कार्बन की जो बॉन्ड एनर्जी है वो सबसे अधिक होती है, इसलिए पूरे आवर्त सारणी में कार्बन तत्व की जो श्रृंखलन गुण है कंटिनेशन गुण है वो सबसे अधिक होता है। और श्रृंखलन गुण किन तत्वों में पाया जाता है? जो अधात्विक करेक्टर के होते हैं उनमें श्रृंखलन गुण पाया जाता है, और अधात्विक तत्वों में सबसे अधिक किस में पाया जाता है? कार्बन तत्व में पाया जाता है। उम्मीद करता हूँ कार्बन की चतुसंयोजकता और श्रृंखलन गुण दोनों समझ में आया होगा। एक बार फिर से सुन लीजिए, संयोजकता का आधुनिक सिद्धांत कहता है कि कार्बन तत्व के बाह्य कोष में आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए कार्बन तत्व की बैलेंसी 4 होती है, संयोजकता 4 होती है। कार्बन तत्व के परमाणु में अन्य परमाणु से जुड़ने की प्रवृत्ति चाहे बंध श्रृंखला में चाहे खुली श्रृंखला में सबसे अधिक होती है, इसलिए कार्बन तत्व में श्रृंखलन गुण सबसे अधिक पाया जाता है। श्रृंखलन गुण बंध ऊर्जा पर बॉन्ड एनर्जी पर निर्भर करता है। जिस तत्व की बंध ऊर्जा जितनी अधिक होगी, बॉन्ड एनर्जी जितनी अधिक होगी, उसमें श्रृंखलन का गुण सबसे अधिक पाया जाता है। थैंक यू।